अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नजर शाह और आज आपको वीडियो में जो दिखाना चाहता हूँ वो है केला। यहाँ से जो बनाना जाता है ईरान और इंडिया, और ईरान से तेल लेना ममनू है, लेकिन ईरान से यहाँ पे जो भी यहाँ से चीज़ें जाती हैं या वहाँ से आती है वो जायज़ है। हमारी हुकूमत से मुतालबा यही है कि यहाँ से जो चीज़ें जाती हैं तो वहाँ से भी आती हैं चीज़ें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस होता है ईरान से, तो मेहरबानी करके वहाँ से पेट्रोल आप लें, डीज़ल लें, यहाँ पे गाड़ियों के लिए वो सस्ता भी पड़ेगा हुकूमत पाकिस्तान को। एनीवेज आज जो वीडियो आपको मैं दिखा रहा हूँ वो है कि यहाँ से केला कैसे बाहर जाता है, वो आप इस वीडियो में देखेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह केले को साफ़ करके पानी से और फिर इस टोकरियों में डालते हैं। टोकरियों में डालने के बाद ये केला जो है आप देख सकते हैं कि फिर इन टोकरियों में डालते हैं। वो कैसे डालते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरह से जो अच्छे साफ़ सुथरे जो केले होते हैं वो इस तरह से टोकरियों में भर के लाइट का इशू है थोड़ा सा, जो कि ये क्या लगा रहे हैं आप उस पर? केमिकल लग रही है भाई। अच्छा, ये केमिकल लगा रहे हैं कि जल्दी ना पक जाए, वहाँ पर जाते जाते ये पक जाते हैं, लेकिन ऐसा उसमें केमिकल लगा रहे हैं ऊपर से। जो ये जो पानी है, ये पानी इसमें हम पिटकी बोलते हैं सिंधी में, उर्दू में तो पता नहीं क्या बोलते हैं। पिटकी को जो पानी में डालने के बाद पानी को साफ़ और शफाफ कर देता है, उस पानी में ये साफ़ होता है। फिर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये मिट्टी के बगैर हो गया है, बिल्कुल ग्रीन कलर का बन गया है। ये पानी आम पहले से आम पानी में डालते हैं, आम पानी के डालने के बाद उसमें पिटकी वाले पानी में डालते हैं, फिर ये मिट्टी सारी उतर जाती है। ये जो केमिकल है, केमिकल लगाने का मकसद ये है कि उसमें फंगस नहीं होता है, और कहीं से कट अगर आ जाता है तो वो कट को अब ये केमिकल उसको ख़राब नहीं करता। इस केमिकल का मेन जो काम है वो ये है कि उसमें फंगस नहीं। और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह केला इन टोकरे में डालते हैं, और कॉपर के अंदर है बिल्कुल, और ये प्लास्टिक की टोकरियाँ हैं जो कि हमें डालने के बाद ये बिल्कुल पैक करेंगे, और किस तरह पैक करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। ज़बरदस्त ये बंदे हैं, बंदा लेके जा रहा है। ये देखें कि किस तरह से इनको पैक किया जा रहा है और किस तरह से इसको पैक करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखें कि इसमें जो हवा है वो हवा को बिल्कुल निकाल देंगे, और किस तरह निकालते हैं वो आप देख लें। ये हवा इसमें निकल गई है, और निकलने के बाद उसको बिल्कुल पैक कर रहे हैं। ये हो गई इसकी पैकिंग, और पैकिंग के बाद और ये गाड़ी लोड हो गई है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह लोड की गई है, और लोड होने के बाद ये गाड़ी जाएगी ईरान के बॉर्डर। ये पैक हो गया बिल्कुल पाकिस्तान। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का भी बटन दबा दें ताकि मज़ीद वीडियो आपको मैं दिखा सकूं और आप देख सकें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।